दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती बूथ स्तर पर मनाई गई। भारतीय जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 1916 में आज ही के दिन यानी 25 सितंबर को हुआ था। एकात्म मानव दर्शन के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को उनकी जयंती पर शत शत नमन करते हैं। उन्होंने राष्ट्र निर्माण में अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनके विचार देशवासियों को सदैव प्रेरित करते रहेंगे। उक्त बात भाजपा जिलाध्यक्ष श्री सिकरवार ने युवा मोर्चा के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। कार्यक्रम का शुभारंभ भाजपा जिलाध्यक्ष गजेंद्र सिंह सिकरवार सहित वरिष्ठ भाजपा नेताओं एवं उनके चित्र पर दीप प्रज्वलन व पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष सुशील दहीपले, भाजपा जिला टीकाकरण प्रभारी विकास जय नखराली, अरविंद गुप्ता मंचासीन रहे। वहीं इस दौरान भाजपा के कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। अभी तक जो लाड मेकाले की शिक्षा पद्धति थी उसमें केवल हम बाबू क्लर्क बन सकते थे, देशभक्त पैदा नहीं हो सकते थे। देश में जो लाड मेकाले की शिक्षा है उसमें काले अंग्रेज तैयार करने की पद्धति थी। देश हित नहीं था, देश हित सर्वोपरि कैसे हो सकता है। ये सब चीज़ें हमारी नई शिक्षा पद्धति में आई है। आपने देखा होगा क्या हमारे को भारतीय संस्कृति पर हमें गर्व करना चाहिए। ये भाजपा ही कर सकती है। हम कहते हैं देश में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा। एक बार राष्ट्र सर्वोपरि है, दल से भी आगे। ये हमने इस देश में करके दिखाया। एक समय मौका आया था कि जब हमको दल भी त्याग करना पड़े। 77 में देश में इमरजेंसी लग गई थी, सारी संवैधानिक संस्थाएं पे आक्रमण हो गया था। तब हमने हमारा दल जो जनसंघ था उसको त्याग के देश हित में जनता पार्टी की सरकार में सम्मिलित होकर हमने देश को सर्वोपरि माना, देश के कानून को सर्वोपरि माना। और ये काला कानून हटे इसके लिए हमने जनता पार्टी की सरकार बनाई और हमारा दल का भी हमने विलय कर लिया। तो हम क्या कहते हैं, देश से पहले दल, बाद में देश पहले। यदि हमको आवश्यकता पड़ेगी तो हम दल तक त्याग देंगे देश के खातिर। ऐसे ही पंडित जी ने एकाध मानव जीवन दर्शन में, हम सब लोग राजनीति में हैं, बूथ स्तर पर उनकी पूरी जानकारी दी जा रही है, तो हम लोगों को उसको पढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम यदि काम करेंगे, हम यदि समाज में अपना स्थान बनाएंगे तो पद की इच्छा हमको नहीं करना पड़ेगी। पद और सम्मान समाज हमको अपने आप देगा। बहुत बिंदु हैं क्योंकि मुझे